इस मॉडल में दो टाइप के ही फॉल्ट ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला है चलते चलते ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाना, यानी कि कम्प्लीटली डेड हो जाना, और दूसरा है ब्लैक स्क्रीन, यानी कि फ़ोन तो चालू है लेकिन डिस्प्ले के अंदर कुछ भी शो नहीं हो रहा है, नो लाइट नो ग्राफिक। ये देख सकते हैं चार्जिंग ले रहा है इसके अंदर, 1.6 एम्प्स कंजप्शन है इसकी, बट डिस्प्ले पे कुछ भी शो नहीं कर रहा। पहले भी मैंने इस फॉल्ट को बहुत बार फेस किया है और रिपेयर भी किया है। डीसी पावर सप्लाई में ये देख सकते हैं आप, जैसे लेटेस्ट फ़ोन में रीडिंग लेता है, लेटेस्ट का कोई सा भी फ़ोन अगर इस टाइप का रीडिंग ले रहा है, जो भी लेटेस्ट मॉडल है, तो आप समझ जाइए फ़ोन ऑन है। अगर चलते चलते ऑटोमेटिक ये दोनों में से कोई सा भी प्रॉब्लम आता है, ऑलमोस्ट यही दो प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आप ये प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम तब होता है जब मोबाइल में जो सीपीयू और रैम लगता है उसकी डिसकनेक्टिविटी की वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो आज पूरे फुल डिटेल में उसके प्रोसेस के ऊपर बात करने वाले हैं, एक प्रोफेशनल वे क्या होता है उसको रिवॉल्व करने का। सीपीयू को निकालने के लिए पूरे शील्ड को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा मैं कर रहा हूँ ऐसा भी करके बहुत इजी तरीके से सीपीयू बाहर आ जाएगा और ख़राब भी नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पे दो जगह पे कट करना पड़ेगा सीपीयू रिमूव करने के लिए। आप इस प्रोसेस को फॉलो करके बड़े से बड़े प्रोसेसर को रिवॉल्व कर सकते हैं, जो भी 5G के प्रोसेसर्स आ रहे हैं, जो डबल डेकर आ रहे हैं, और वन टाइम में सक्सेस कर सकते हैं। अगर आप एग्जैक्ट इसी ही मेथड को फॉलो करते हैं तो वन टाइम में सक्सेस होगा। SMD मशीन से पूरा रैम के ऊपर मूव करते हुए अच्छे से हीट करेंगे। CPU टूल को CPU और रैम के बीच में लगा के रखना है और ऊपर से हीट करते रहना है पूरा मूव करते हुए। जैसे ही वो नीचे का शोल्डर मेल्ट हो जाएगा वो ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। जोर जल्दीबाजी करेंगे तो रैम ख़राब भी हो सकती है। अभी मदरबोर्ड हीट है इसीलिए ये जो ब्लैक पेस्ट है वो इतना सॉफ्ट है और इतना इजीली बाहर आ जा रहा है। सीपीयू को रिमूव करने के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे पूरा ऊपर से मूव करते हुए। जिस तरीके से रैम को निकाला था उसी तरीके से इसको भी निकालना है। खराब नहीं होगा ये, ज्यादा हीट करने से खराब नहीं होता ये। हीट 385 है, उसके बाद में भी ख़राब नहीं होगा। बस आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, जैसे ही वो नीचे का शोल्डर मेल्ट हो जाता है तभी आपको इसको उठाना है। बहुत ही इजीली बाहर आ जाएगा जैसे ही वो नीचे का शोल्डर मेल्ट हो जाता है। पूरा ऊपर से मूव करते रहना है। सबसे पहले ये नीचे के सीपीयू के नीचे के पैड्स को क्लीन करने के लिए फ्लक्स पेस्ट लगाएंगे और जो कंपनी का शोल्डर है उसको बाहर निकाल लेंगे आयरन की मदद से, कुछ इस तरीके से। आयरन को सिर्फ उसके ऊपर टच करना है, आयरन ऑटोमेटिकली अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, स्क्रैच नहीं करना है उसके ऊपर। इसको साफ करके और ये 138 डिग्री का PPD पेस्ट, ध्यान रखें दोस्तों 138 डिग्री का,
पूरे पैड्स के ऊपर अच्छे से मूव करेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से। ध्यान रखे साइड के कंपोनेंट्स में टच ना होए आयरन, नहीं तो जो साइड के कंपोनेंट्स हैं वो मिस हो सकते हैं। इस मेथड को यूज़ करने से आपको बहुत बड़ा रिजल्ट दिखेगा, आप एक बार यूज़ करके ज़रूर देखना। एक भी ट्रैक आपके मिस नहीं होंगे, एक भी ट्रैक के ऊपर स्क्रैच नहीं आएगा। बीच में जो कहीं कहीं ब्लैक ग्लू लगा हुआ है, ब्लैक पेस्ट, उसके ऊपर हल्के हल्के हाथों से बस मूव करना है, वो ऑटोमेटिक क्लीन हो जाएगा। इसके अंदर ज़्यादा हार्ड पेस्ट नहीं दिया होता है कंपनी ने। इसे क्लीन करने के लिए सबसे पहले ड्राई बड्स का यूज़ करना है। ये इसके अंदर कोई भी पीसीबी क्लीनर नहीं है, बिल्कुल ड्राई है ये। ऊपर ऊपर के क्लीन करने के बाद में विथ पीसीबी क्लीनर बड से क्लीन करना है। इसको ब्रश से बिल्कुल भी क्लीन ना करें दोस्तों। अब पेस्ट लगा के और जो नीचे के पैड्स हैं उसको बिल्कुल क्लीन करेंगे ताकि हमारा सीपीयू अच्छे से उसके ऊपर बैठ सके। ये देख सकते हैं कितना इजीली क्लीन हो रहा है। अगर यहाँ पे 138 डिग्री का पीपीडी हमने यूज़ नहीं किया होता तो ये इतना इजीली क्लीन नहीं होता इतने टेम्परेचर पे। इसको क्लीन करने के लिए टेम्परेचर को थोड़ा इंक्रीज करना पड़ता, और अगर टेम्परेचर को बढ़ा देते तो नीचे पैड्स के अंदर भी स्क्रैच आने के चांसेस बढ़ जाते। फिर से सूखे बड से क्लीन करेंगे, बिल्कुल ड्राई है, इसके अंदर कोई भी पीसीबी क्लीनर नहीं है, तभी ये अच्छे से क्लीन हो पाएगा जो भी डस्ट है। अब जो हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर पीसीबी क्लीनर लेके इसको क्लीन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से क्लीन करना है इसको। इतना क्लीन करने के बाद भी अगर थोड़ा बहुत कहीं पे रह जाता है जैसे इस तरीके से, तो उसको बिना असेंबली मशीन से हीट किए नॉर्मली इस तरीके के जो क्लिनिक का 007 ब्लेड है इससे बहुत ही इजीली क्लीन हो जाएगा विदाउट हीट के।
ये सीपीयू है और ये सीपीयू के ऊपर का स्पेस है जिसके ऊपर रैम इंस्टॉल होता है। इसके ऊपर भी पेस्ट लगा के और आयरन से जो कंपनी का सोल्डर होता है उसको आयरन के अंदर एब्जॉर्ब करके पूरा क्लीन कर देंगे। इसके ऊपर जो कहीं कहीं पे ब्लैक पेस्ट है उसके ऊपर बस मूव करेंगे सॉफ्ट हैंड से, तो वो बहुत ही इजीली निकल के बाहर आ जाएगा, क्योंकि इस मॉडल में ये ब्लैक पेस्ट बहुत ही सॉफ्ट होता है। अभी इसको नॉर्मली क्लीनर से क्लीन कर लेंगे, डिसोल्डर वायर से अभी इसको क्लीन नहीं करेंगे। उसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा अभी क्यों। ये सीपीयू के ऊपर का जो ब्लैक पेस्ट है इसको सबसे पहले क्लीन करते हैं। ये देखिए, अगर मैं नॉर्मली इस तरीके से करता हूँ विदाउट ऊपर से हीट इंसर्ट किए हुए तो ये मेल्ट नहीं होगा, क्योंकि पहले ये बिल्कुल हार्ड होता है, जैसे ही उसके ऊपर हीट लगता है तो वो सॉफ्ट हो जाता है बिल्कुल। SMD मशीन से ऊपर से हीट करते रहना है और कॉन्स्टेंटली हीट नहीं मारना है, यानी कि लगातार उसके ऊपर हीट नहीं करना है, थोड़ी देर के लिए उसके ऊपर हीट करना है और SMD को साइड कर लेना है। थोड़ी देर तक फिर से हीट करके उसको क्लीन करना है, फिर SMD को साइड में कर लेना है। इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही इजी तरीके से आ जाएगा क्लीन करना, कोई बड़ी बात नहीं है। सोल्डर वायर से जो उसके ऊपर थोड़ा बहुत सोल्डर है उसको क्लीन कर लेंगे। ध्यान रखें जो कैपेसिटर है उसके अंदर ज़्यादा देर के लिए टच ना हो, नहीं तो कैपेसिटर बाहर आ जाएंगे। कैपेसिटर बाहर भी आ गया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर वो उसके अंदर लगा हुआ है तो कोई रीज़न की वजह से लगा हुआ है, उसको रिमूव नहीं करना है ताकि हमारे फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है वो बिगड़े नहीं। उसके बीच में आप इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं अगर उसके बीच में कोई भी पेस्ट होता है तो। इतना ज़्यादा क्लीन करने के बाद भी कहीं कहीं पे ब्लैक पेस्ट रह जाता है, जैसे कि मदरबोर्ड के पैड्स के अंदर रह गए थे, उसी तरीके से इसके अंदर भी अगर आपको दिखता है तो आप नॉर्मल जो बड्स होते हैं उसके अंदर PCB क्लीनर लेके इस तरीके से सॉफ्ट हैंड से उसके ऊपर मूव करेंगे, स्क्रैच करेंगे तो CPU के अंदर स्क्रैच नहीं होगा, बस वो जो उसके अंदर पेस्ट है वो क्लीन हो जाएगा। ये देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से क्लीन हो गया है। ये मैंने आपको बताया था कि इसको पहले क्यों नहीं हमने डिसोल्डर वायर से क्लीन किया, क्योंकि हमने अभी ऊपर CPU के ऊपर हीट करके उसके ब्लैक पेस्ट को निकाला था। अगर हम इसको पहले ही डिसोल्डर वायर से क्लीन कर लेते तो इसके अंदर कुछ जो बॉल्स होती हैं वो अनहाईलाइट सी ही रह जाती हैं, इसीलिए हमें इसे बाद में क्लीन करना है। पहले CPU क्लीन करने के बाद इसको क्लीन करेंगे तो कुछ इस तरीके से क्लीनिंग होगी और रैम जो हमारा इंस्टॉल होगा बहुत ही प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल होगा।
सीपीयू भी क्लीन हो चुका है, अब रैम को क्लीन करते हैं। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने सीपीयू को क्लीन किया था, इसका भी प्रोसेस बिल्कुल सेम ही है। ये जो इसके अंदर अनहाईलाइट सिंबल्स हैं, उसको आप हाईलाइट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 183 डिग्री का इस तरीके से कुछ पीपीडी ले करके और आप पूरा मूव करेंगे आराम आराम से, तो वो हाईलाइट हो जाएगा धीरे धीरे करके। आपको उसके ऊपर ज़्यादा हल्का सा भी प्रेशर दे करके उसको प्रेस करके उसको स्क्रैच नहीं करना है, स्क्रब नहीं करना है, नहीं तो रैम के अंदर स्क्रैच आ जाएंगे। और ध्यान रखें, आपके आयरन का टेम्परेचर भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रैम की भी क्लीनिंग हो गई, अब आती है सीपीयू रिवॉल्विंग की बारी। सीपीयू रिवॉल्विंग के लिए नीचे एक न्यू टिश्यू पेपर रखेंगे और न्यू क्लॉथ से विद पीसीबी क्लीनर सीपीयू को अच्छे से क्लीन कर लेंगे रिवॉल्विंग करने से पहले। और स्टेंसिल के अंदर अच्छी तरीके से मैच करते हुए एक एक बॉल को अच्छे से उसके अंदर फिक्स करेंगे। हाथ से अच्छे से पकड़ के रखना है स्टेंसिल को, स्टेंसिल मूव नहीं होना चाहिए इस तरीके से। और पीपीडी को अच्छे से फिल करेंगे, प्रेस करके उसके अंदर फिल नहीं करना है, ज़्यादा प्रेशर के साथ फिल नहीं करना है। ऊपर ऊपर से बस इस तरीके से ऊपर ऊपर से बस उसके ऊपर मूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर चला जाता है, बस इतना ही। और न्यू क्लॉथ से क्लीन कर लेना है ऊपर का जो भी एक्स्ट्रा पीपीडी है। ये करने के बाद वन टाइम रिवॉल्विंग हो गया है। ये मैं आपको एक सबसे बड़ा सीक्रेट बता रहा हूँ, किसी भी सीपीयू को अगर आपको फुल श्योरिटी के साथ चलाना हो कि लगाते ही वन टाइम में चल जाए पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, तो आप ये काम एक बार करके देखें। सबसे पहले ऊपर इस तरीके से ब्लेड से इसको कट कर लेंगे, 4 नंबर के ब्लेड से। इसका नाम 4 नंबर है। और इसके अंदर कुछ इस तरीके से पीपीडी को फिल करेंगे, फिंगर के अंदर लेके इसको अच्छे से फिल करना है। और इसको क्लॉथ से, न्यू क्लॉथ से बिल्कुल इसको ऊपर से क्लीन कर लेना है। और इसको अगेन से हीट करना है ताकि ये बॉल्स बिल्कुल इक्वल हो जाएं, क्योंकि सीपीयू को एक बार रिवॉल्व करने से कोई ना कोई एक बॉल तो जरूर उसके अंदर छोटी या बड़ी रह जाती है। जब इसके अंदर आप दोबारा से इसको कट करते हैं तो जो बड़ी बॉलें होती हैं वो इक्वल हो जाती हैं, और जो छोटी बॉलें होती हैं वो पीपीडी फिल करते हुए पूरा बिल्कुल इक्वल हो जाता है, बॉल्स एक भी छोटा बड़ा नहीं रहता। इसके अंदर पेस्ट लगा के अच्छे से इसको हीट अप कर देंगे। कूल होने के बाद इसको अच्छे से पीसीबी क्लीनर से बहुत ही अच्छे से क्लीन करना है, उसके अंदर एक भी पेस्ट नहीं रहना चाहिए। उसके बाद न्यू क्लॉथ से कुछ इस तरीके से टैप 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 करेंगे तो वो और भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। रैम को भी रिवॉल्व करने का वही प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हमने सीपीयू को रिवॉल्व किया था, सेम मेथड से ये भी रिवॉल्व होगा। इसके अंदर अगर आप दोबारा से पीपीडी को फिल नहीं भी करते हैं तो भी ये चलेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत कम बॉल्स होती हैं। रैम भी रिवॉल्व हो गया, सारा काम हो गया।
अब सिर्फ काम बचा है इन सीपीयू को और रैम को इंस्टॉल करने का। इंस्टॉल करने के लिए दो बातों को आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर पेस्ट एक तो हिसाब से डालना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना और बहुत कम भी नहीं डालना। और देख लेना अंदर कोई डस्ट तो नहीं है, एक भी डस्ट नहीं होना चाहिए सीपीयू के अंदर भी और नीचे पैड्स के ऊपर भी। और उसको बिल्कुल इक्वल जगह पे फिक्स कर लेना है जिस जगह पे पहले वो था। और दूसरा बात ये है कि इसके ऊपर हीट करते हुए असेंबली को बहुत फास्ट मूव नहीं करना है। ये देखिए मैं आराम आराम से मूव कर रहा हूँ। कई लोग इसको बहुत जल्दी जल्दी मूव करते हैं, उसकी वजह से सीपीयू आपका विदाउट उसको टच किए ही वो इधर उधर मूव कर जाएगा। अगर आप इसको एक जगह पे भी स्टेबल करके हीट देते हैं तो भी वो ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। तब तक आपको सीपीयू के ऊपर हीट देना है जब तक उसके अंदर से पेस्ट बाहर नहीं आने लगता। ये देख सकते हैं पेस्ट बाहर आने लगा है सीपीयू के अंदर से। अब ट्वीज़र से इसको हल्का सा साइड से टच करेंगे ताकि अच्छे से फिक्स हो जाए सीपीयू। ये करने के बाद एक बार अच्छे से कूल करेंगे मदरबोर्ड को। और आपको पोर्ट वोर्ट कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने इतनी फिनिशिंग से काम किया तो पोर्ट आपको चेक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप ये देख सकते हैं इसके अंदर से भी पेस्ट बाहर आ गया है। इसको भी हल्का सा टच करेंगे, कूल कर लेंगे मदरबोर्ड को अच्छे से। कूल करने के बाद एक बार क्लॉथ से और पीसीबी क्लीनर से जो उसके ऊपर एक्स्ट्रा डस्ट या पेस्ट है उसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे और मदरबोर्ड में फिक्स करके देखेंगे। फाइनली सक्सेसफुली फोन रिपेयर हो चुका है।